हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी के पराठे की रेसिपी। एक अलग तरीके से बनाएंगे हम आज मेथी के पराठे, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम मेथी के पराठे। मेथी के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्रेश मेथी ली है। इसको पानी से अच्छे से धो लेंगे जिससे कि इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी, और इसे एक छन्नी में रख के इसका पानी निकल जाने देंगे। फिर इस तरह से इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एक अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च लेंगे, इस तरह से इसको इस कूट लेंगे, या फिर आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। और अब हम लेंगे गेहूं का आटा 2 कप। इसमें अब हम 1/2 कप फ्रेश दही डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमने अदरक और हरी मिर्च को कूट के इस तरह से पेस्ट बना लिया था, आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर पिसा हुआ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे कि पराठे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें हम, हींग डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें, इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे जो कि हमने कट करके रख ली थी, और इसमें हम 1 बाउल भर के बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को मिला के आटा तैयार कर लेंगे मेथी के पराठे के लिए। जितना पानी लगता है उतने पानी का हम यूज़ करके आटा मार लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला आटा रखना है हमें। हम इसे मीडियम ही मारेंगे, जिस तरह हम पूड़ी का आटा मारते हैं उसे थोड़ा सा कम टाइट आटा मारेंगे हम पराठे के लिए। आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और आटे को फिर से अच्छे से गूंथेंगे जिससे कि हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको आटे को चिकना कर लेंगे इस तरह से तेल डाल के। इसमें हम मेथी के पराठे के लिए आटा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि आटा हमारा अच्छे से फूल जाएगा। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे, उसे गोल करके इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से गोल बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसको बेल लेंगे। बस हमें पराठे के लिए रोटी से थोड़ा सा कम पतला बनाना है, रोटी बहुत पतली होती है, इसे हमें कम पतला बेलना है। इस तरह से हमारा पराठा तैयार है और बाकी बचे पराठे भी हम तैयार कर लेंगे। मेथी के पराठे को आप ट्रायंगल शेप देकर इस तरह से बना सकते हैं। इसमें इस तरह से ऑयल लगाएंगे और इसका ट्रायंगल शेप दे देंगे, और इसे थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसे भी बेल लेंगे। इसे हम पुर्त वाला पराठा बोलते हैं, इसकी जो लेयर है वो खुलेंगी, जिससे कि अगर आपको लेयर वाला पराठा चाहिए तो आप इस तरह से बना लें, नहीं तो आप गोल शेप में ही इसे बना सकते हैं। हमने सारे पराठे बेल के तैयार कर लिए, अब हम इनको सेकने की तैयारी करते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को मीडियम पे रखेंगे, फिर हम पराठा इसमें डाल देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड अच्छे से इसमें घी लगा लेंगे जिससे कि पराठा हमारा बहुत ही अच्छा सिकेगा। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से घी लगा लेंगे इस पे, और दोनों साइड अच्छे से इस तरह से हम सेकते हुए पराठे को तैयार कर लेंगे। पराठा सिक गया, इसको प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। गर्म
गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी मेथी के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें दही और चटनी के साथ सर्व करें या फिर अपनी मनपसंद सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं।